जैन सर, बल संख्या 1752190444, कांस्टेबल CTPTR, 246 बटालियन में पोस्टिंग हुआ हूँ। ठीक है, और मेरा कमांडर मुझे परेशान करता है, मेरा पूरा अफसर भी मुझे परेशान करता है, और घर पे भेजने को बोलता है कि फैमिली फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर मेरा बहुत दिक्कत आ गया और मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। तो मैं भी मैं चाइना नॉइस प्रोसेस किया, पहले शिव सर को मैंने बोला कि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा दिक्कत हो रहा है, मुझे थोड़ा इस परेशानी से छुटकारा करो, मेरा एमटी हो रहा है, मुझे परेशान करता है। मैंने सीओ सर को चैनल प्रोसेस में बोला ना, गलती किया है क्या कुछ है? सीओ सर को बोला, लेकिन सीओ सर ने भी मुझे न्याय नहीं दिया है अभी मैं। और ऊपर से मेरा थोड़ा घर का भी टेंशन चल रहा है सर, मेरा मम्मी भी बीमार रहता है, मेरा मम्मी पागल है सर। अभी मम्मी को संभालू या ड्यूटी करूँ या इनका टॉर्चर सर कुछ किसको संभालू? एक मिनट सर, मेरा मम्मी देखता हूँ मैं। सर ये मेरा मम्मी है, ये पागल है, इसको मैं छोटे बच्चे जैसा रखता हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है। मम्मी बोल रही थी कि तू इंजीनियर बन जा, मैं इंजीनियर नहीं बना, मुझे मेरी गांड में उंगली थी, मुझे फौज में जाना है, ड्यूटी करना है, ये करना है, देश की रक्षा करना है। बहन चोद यहाँ पे कोई देश की रक्षा नहीं है सर, मुझे घर जाना है सर। सर मेरा इंक्वायरी करो, सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं और मैं अभी थक गया हूँ, इसलिए ये वीडियो को डीजी साहब तक पहुंचाओ। और देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर डीजी साहब से भी न्याय नहीं मिला तो फिर जाऊंगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं मिला तो गुरु मंत्र में को एक लेटर दूंगा, अगर वहां पर भी नहीं मिलेगा तो फिर मैं सुसाइड कर लूंगा सर। सर लेकिन आप देख लो सर, सीआरपी का जवान सर, सीआरपी का जवान इतना ड्यूटी कर रहा है ना आजकल, उतना आर्मी भी नहीं कर रहा है, तो सर देखो ना सर, बंदा इतना ये कर रहा है, ये क्यों मर रहा है? अगर कोई जवान ड्यूटी ड्यूटी के समय गोली मार लेता, ये कर लेता, क्यों करता है? उसको देख लो सर, आपको एक बार देखो तो सर, क्यों मर रहा है? इंक्वायरी करो, ये बंदा मर गया गोली मार के, क्यों मरा? बहन चोद सीओ की ऐसी की तैसी कर दो, डीआरजी की ऐसी की तैसी कर दो। सर आप तो डीजी हो ना, आप देखो ना, हम भी नौकरी कर रहे हैं, वो सीओ तो क्या हुआ, डीआईजी तो क्या हुआ, नौकरी वो भी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी बिठा, देखो जवान क्यों मर रहा है। सर एक महीने में चार चार पांच पांच जवान मर जाते हैं, कैसे मरते हैं? इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो आप? अभी मैं भी मरने वाला हूँ, अच्छा लग रहा है क्या? मैंने पूरा वीडियो बनाया, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया। देखो सर मेरा मम्मी है सर, देखो वो, देखो कितना टेंशन में बैठा है, देख लो, देख लिया आपने? तो सर एक फौजी जो होता है बहुत दिक्कत भरी ड्यूटी करता है, तो उसको आप वेलफेयर देने का काम आपका है, ठीक है? तो इस मैटर को हैंडल करना आपका काम है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है डीजी साहब से, और ये वीडियो प्लीज, मैं सबके पैर पड़ लेता, मैं थक गया हूँ सबसे, मैं पैर पड़ता हूँ सबके, ये वीडियो इतना वायरल करो इसको पूरे इंडिया में फैला दो, इंडिया में मतलब बस मेरे डीजी साहब तक पहुंच जाए इतना काफी है, डीजी साहब तक ये वीडियो फैलाओ। और डीजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आओ और इंक्वायरी करो कि मुझे टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, ये हो रहा है, बस उतना ही सर, इंसाफ दे दो मुझे, फिर भी इंसाफ नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा सर। ठीक है, जय सर।